Assalamu alaikum students, welcome to my channel Top Trendy. Umeed hai aap tamam students khairiyat se honge. Matric aur intermediate ke supplementary composite aur fail students ke liye nayi pareshani. Kya imtihanat sirf elective subjects ke honge? इम्तिहानात कब लिए जाएंगे? क्या इम्तिहानात मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ ही लिए जाएंगे या फिर इन तमाम बच्चों के लिए अलहदा से एग्जाम्स होंगे? क्या स्टूडेंट्स आपके दोनों पार्ट के एग्जाम लिए जाएंगे? जो कंपल्सरी सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके दोनों पार्ट के एग्जाम होंगे या सिर्फ उनके भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे? तो बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं कि मैम क्या होगा, कंपोजाइट स्टूडेंट्स का क्या होगा, फेल का क्या होगा और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आप तमाम बच्चों की मैं कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ। आपको तमाम चीज़ें मैं गाइड करूँगी। पीबीसीसी की मीटिंग में इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम सवालात के बारे में जवाब दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि जिनकी सप्ली आई है, जो फेल है मुकम्मल 9th या 10th में, 11th या फर्स्ट ईयर में, और जो बच्चे सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात की जाए सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के इम्तहान कब होंगे। तो स्टूडेंट्स इम्तहान तीन फेजेस में लिए जाएंगे। पहले फेज में 12th और 10th एग्ज़ाम होंगे, दूसरे फेज़ में 9th और 11th के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और लास्ट थर्ड फेज़ में स्पेशल एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे। जो स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे उन्हीं में सप्लीमेंट्री कंपोजाइट और फेल स्टूडेंट्स के इम्तहान होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि क्या वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के सिर्फ एग्ज़ाम्स देंगे या उनको सारे सब्जेक्ट्स के देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक नई परेशानी है कि कंपोजाइट और फेल स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स के इम्तहान देंगे, यानी जो बच्चे फेल हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तहान नहीं होंगे, उनके सारे सब्जेक्ट्स के इम्तहान होंगे जिसमें इंग्लिश उर्दू भी शामिल है। तमाम सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहे हैं होंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तहान होंगे। उनके इम्तहान 9th 10th यानी जो आने वाले दिन हैं, जो आने वाले इम्तहान हैं उनके साथ नहीं होंगे। उनके थर्ड फेज यानी जब स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे उनके तब इम्तहान लिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जिन बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स में सप्ली आई हैं, क्या वो दोनों पार्ट के एग्ज़ाम्स देंगे या फिर उनको सिर्फ 12th के लिए जाएंगे या 10th के लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हुआ है, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इन तरह के एग्ज़ाम्स में अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो वो दोनों पार्ट के इम्तहान देगा, यानी वो 11वीं 12वीं दोनों को देगा, क्योंकि उनके पास किसी तरह का भी प्रूफ नहीं है कि वो आपके मार्क्स लगा दें। इसीलिए जो बच्चे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट उन्होंने इस बार इम्तहान उनके लिए हैं ताकि उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को बाकी बुक्स के मार्क्स दें, लेकिन जो बच्चे कंपल्सरी सब्जेक्ट में ही फेल हैं तो वो क्या करेंगे, वो उनके दोनों पार्ट्स के इम्तहान लेंगे। अब बच्चे कहेंगे कि शायद मैम इसका कोई नोटिफिकेशन आपने नहीं जारी किया या आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया। तो डियर स्टूडेंट्स बीबीसीसी की मीटिंग में इन तमाम चीज़ों के बारे में ये फैसले किए गए हैं, इसको अभी हतमी तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए शो नहीं करवाया गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली गई है। अभी इसका कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये एक तजवीज़ दी गई है, ये तजवीज़ रद्द भी हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी। जब तक आपको कोई फाइनल नोटिफिकेशन ना दिखाया जाए आपने अपनी बुक्स नहीं बंद करनी और ना ही आपने पढ़ना छोड़ना है। सो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, जल्द ही इसके ऊपर भी फाइनल नोटिफिकेशन पॉलिसी आ जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि इम्प्रूवर्स और सप्लीमेंट्री और कंपलसरी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें फेल, कंपोजाइट, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के बारे में मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपके चंद सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे, आपको पता चल गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।
और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वीडियोज, योर लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन गिव मी लॉट्स ऑफ इंकरेज टू क्रिएट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर यू। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट to share these videos to your friends so they also get this information at right. Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Agar aap mere channel par new hain to subscribe my channel and press the bell icon so you never miss an update. Thank you and Allah Hafiz.